एक जज और एक दारोगा दोनों खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे। दारोगा ने कहा कि हम तो जिस पे चाहें FIR कर दें, जिसको चाहें अंदर कर दें, सब हमारे हाथ में है। दूसरा जज बोला, जी हम जिसको चाहें फांसी पे लटका दें, जिसको चाहें जो मर्जी सजा दे दें, ये सब हमारे हाथ में है। वहीं एक अध्यापक खड़े थे, वो बोले, जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो दिन भर बच्चों को मुर्गा बनाते, उन्हें कूटते हैं, आगे उनकी मर्जी, वो जज बने या दरोगा। एक बार जोरदार तालियां आप उठाएं। मैं आरंभ करता हूं। हमारे बीच के राजस्थानी जी हैं, राजस्थान की धरती से आते हैं, धौलपुर से आते हैं, मुझसे कह रहे थे, रसिक जी आप तो अंतर्राष्ट्रीय कवि, एक बार मुझे भी एक विदेश यात्रा करवा दो। मैंने कहा, के भाई आज सुबह ही यूक्रेन से फ़ोन आया है, कभी सम्मेलन करना है तो चले जाओ। बोले, नहीं भाई साहब, अभी तो कई जिम्मेदारियां बाकी हैं, इस बार तो मुरसानी जी को भेज दो, मैं अगले साल चला जाऊंगा। तो बड़े हास्य के कवि हैं, मुझसे कह रहे थे तालियां उठेंगी अभी, ज़रा खुलेगा माहौल एकदम। मुझसे कह रहे थे कि पत्नी इज्जत नहीं करती। मैंने कहा, के भाई एक बात बताओ, उन्होंने पिता को छोड़ा तो ससुर मिले, माँ को छोड़ा सास मिली, बहन को छोड़ा नंद मिली, भाई को छोड़ा देवर मिला, ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला? के जी बोले, कुछ भी नहीं। मैंने कहा, फिर फ्री में मिली हुई चीज की इज्जत कहां से होगी? अच्छा, ये नौकरी करते, एक बार मैं इनके प्रतिष्ठान पर चला गया, इनके जो बॉस थे इन्हें डांट रहे थे, बहुत बुरी तरीके से डांट रहे थे। तो जब वो डांट डूट के चले गए तो मैंने पूछा, के भाई गलती हो जाती है, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से डांट रहे थे, तुम्हें बुरा नहीं लगता? बोले, ये तो कुछ भी नहीं है रसिक जी, कभी घर आओ। पहुंच रही है बात धीरे धीरे। तो स्थितियां ऐसी होती हैं। मैं चार पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं के राजस्थानी जी को। देखो, कवियों का काम थोड़ा सा आप खुल जाए, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, थोड़ी बातचीत को थोड़ा सा विराम दे दे। मैं आपको बताऊं, देखो कवियों का काम होता है लंबी लंबी छोड़ने का, तो वो मुझे लगता है वो बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं कवि, और मुझे लगता है वो विनोद पाल जी जो है वो सारी चीज़ें छोड़ गए होंगे। तो कवियों का काम ऐसे ही होता है। एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी। मैंने कहा, भैया तू बहुत लंबी छोड़ते, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला, रसिक भाई मुझे तो पता ही नहीं चलता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। अरे, मैंने कहा, मैं साथ रहता हूँ, जब ज़्यादा हो जाएगा तो मैं खांस दूँगा, कम कर लेना। बोला, जी ठीक है। मैं उसे एक प्रोग्राम में ले गया, उसने जाति छोड़नी शुरू की। बोला, भाई साहब आज जब मैं आ रहा था रस्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा, मैं तुरंत खांसा। तो बोला, जी मैं जब नजदीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा है, मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला, भाई साहब मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ, फिर मैं एक फीता लेके आया, स्केल लेके आया, मैंने उससे नापा तो वो 60 फुट लंबा सांप निकला, मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला, भाई साहब किसी के खांसी हो, किसी के दमा हो, अपना इलाज कराओ, अब तो फीते से नप चुका बिल्कुल नहीं घटेगा। तो चार पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं के जी, और जितनी तालियां बजे के जी के लिए, कि कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती, कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती, हंसाती है जो दूजों को वो आंखें रो नहीं सकती, हंसाना ही खुदाई है, हंसाना ही इबादत है, हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती, हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती। और उसी पूजा को हंसाने का जो काम है वो हमारे के राजस्थानी जी धौलपुर से आते हैं, वो आपको भरपूर हंसाएंगे, गुदगुदाएं। आप इनके लिए जोरदार ताली बजाएं, दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां, के राजस्थानी जी। जी, बार बार ललित जी कह रहे थे, भावों की रानी मंजू जी, भावों की रानी, भावों की रानी। अब मुझे मालूम पड़ा कि चीज़ों के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। आदरणीय संचालक महोदय कह रहे थे यूक्रेन से फोन आया था कवि सम्मेलन के लिए, तो मैं नहीं गया। सच बात है, जिम्मेदारियां ज्यादा है, मैं नहीं गया। अरे भाई, मुझे तो यहाँ आने में डर लग रहा था, कहीं ऐसा नहीं हो उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसते ही हमारी गाड़ी भी पलट जाए। हाँ, लग रहा है अब माहौल में आते जा रहे हो। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच और आपकी उपस्थिति को साधन नमन करता हूँ। आप लोगों के हंसते मुस्कराते चेहरे देखकर आज उतनी ही खुशी मिल रही है जितनी कि लॉकडाउन में ठेके खुलने पर मिली थी। गलत मत समझना, आप सभी सफल व्यक्ति बैठे हैं, सफलता के लिए बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है साहब, लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। एक बार मैंने तो संचालक महोदय से कहा, ये मेरे गुरु हैं आदरणीय श्री रसिक गुप्ता जी, संचालक महोदय से कहा
कहावत सुनी है, हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। यही सोचकर मैंने शादी की, किस्मत फिर भी नहीं बदली। ये बोले नहीं बदली, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं बदली। इनका जवाब था तो एक बार लुगाई बदल कर देख ले। हम महिलाएं कहीं कहीं से भी निपटा सकती हैं। एक बार मैंने पत्नी का पर्स टटोला, जैसे ही खोला पर्स टटोला उसमें बिंदियों के पत्तों का ढेर लगा हुआ था। मैंने कहा ये कबाड़ा कहाँ से इकट्ठा कर रखा, इसे फेंक दे। पत्नी गुस्से में बोली, खबरदार जो एक भी शब्द आगे कहा ये मेरी स्वाग की निशानी है, मतलब मेरा स्वाग है। मैं, अच्छा स्वाग है, तभी तो इसे रोज बदल लेती है। साहब इसी बात पर हो गई लड़ाई। उसने मुझे 50 बातें सुनाई, इसी बात पर उसने मुझे 50 बातें सुनाई। मैंने कहा भाग्यवान एक तू और एक वो सावित्री जो यमराज से भी पति के प्राण वापस ले आई। बोली जा पति धर्म की बातें मुझे ज्यादा मत सिखा, अरे प्राण तो मैं भी वापस ला सकती हूं, पहले तू मर कर तो दिखा। बस वैसे ही मस्ती आनंद के साथ सुनिए साहब। एक दिन पत्नी आई मेरे पास गुस्से से, सांस फूल रही। मैंने क्या हुआ कि काम करती हूँ तो सांस फूल जाती है, मैं सांस फूल जाती है तो मत किया कर, कि नहीं करती हूँ तो सांस फूल जाती है। वाह 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 साहब, ये स्थितियाँ हैं, ये स्थितियाँ हैं साहब। मैं तो बता रहा था, एक बार क्या पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति हट गया, अगला बैंकॉक जाकर बैठ गया। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति हट गया, अगला बैंकॉक जाकर बैठ गया। पत्नी ने फोन मिलाया और कहा सीधे सीधे मान जाएगा या उंगली टेढ़ी करूं या फिर सीधे सीधे मान जाएगा। अरे भारतीय नारी हूं, यमराज के यहां से भी वापस ले आई थी और तू बैंकॉक से नहीं आएगा। साहब ये एक बार खुलकर तालियां बजाइए जिससे लगे कि आपकी उपस्थित हो यहाँ पर। मुझे तो पता है, अभी मैं जैसे ही आपके प्रांगण में प्रवेश किया तो दो मुझे छात्र मिल गए, बड़े सीधे सज्जन, बड़े शिष्टाचार युक्त, डिसिप्लिन युक्त। मैंने कहा भाई आप इतने प्यार से रहते हो, ये तो स्कूल का बहुत अच्छा व्यवस्था है स्कूल की। बोले ऐसी कुछ बात नहीं है, हम प्यार से रहते हैं, पता नहीं एग्जाम में कब कौन को किसके पीछे बैठना पड़ जाए। साहब ये स्थिति हो जाती है। मैंने तो एक छात्र से पूछा, मैं अंग्रेजी जानता है कि हाँ जानता हूं। बोले कितनी, बोले जितनी पापा पीते हैं। एक मुहावरा पूछा एक बच्चे से, मेरे ये बता एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, बताओ कैसे। वो बोला उसके घर में शौचालय नहीं होगा। आजकल साहब बिल्कुल, देखो मैं प्यार मोहब्बत की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ, हास्य व्यंग का कवि हूँ, मस्ती आनंद का कवि हूँ, मस्ती आनंद के साथ जुड़िए साहब। वैसे भी उत्तर प्रदेश है, यहाँ प्यार मोहब्बत तो वर्जित ही है, क्योंकि योगी जी के राज्य में प्यार करने की उम्मीद कब जगी है, योगी जी के राज्य में प्यार करने की उम्मीद कब जगी है, आधार कार्ड रखना पड़ता है भले पत्नी सगी है। योगी जी के राज्य में प्यार करने की उम्मीद कब जगी है, आधार कार्ड रखना पड़ता है भले पत्नी सगी है। उन्होंने खुद तो प्यार किया नहीं और हमें करने भी नहीं देते। उन्होंने खुद तो प्यार किया नहीं और हमें करने भी नहीं देते, ऐसा लगता है जैसे आचार संहिता लगी है। वाह 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 वाह।